हेलो गाइस एंड फैसेस, मैं सूरज कुमार और आज मैंने ट्रेलर देखा पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का, मतलब अंग्रेजी मीडियम का। और अंग्रेजी मीडियम के ट्रेलर के बारे में मैं कुछ बताऊं तो उससे पहले ना मैं कुछ बोरिंग बातें करना चाहता हूं, अगर दम है तो पूरा सुनना। मेरे को एक बात बताओ, आप लोग बॉलीवुड को जब देखते हो तो बॉलीवुड में क्या ढूंढते हो? कौन अच्छे एक्टर्स है, कौन बुरे एक्टर्स है, कौन किस किस टाइप के एक्टर्स है? या आप लोग क्या सोचते हो कि हम कौन कौन से एक्टर्स को देखने जाते थिएटर में? एक सच बात बताओ, आप लोगों को जब मालूम पड़ता है, आप लोग ये मानते भी हो कि यार नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज वाजपेयी, पवन मल्होत्रा, के मैनन, इरफान खान आर सच फाइनेस्ट एक्टर्स जो अपने एक्टिंग को हर फिल्म में अलग अलग तरह से डिफाइन करते हैं, ये आप लोग को मालूम रहता है। लेकिन जब इनकी फिल्में थिएटर में आती है ना तो घंटा आप लोग देखने नहीं जाते। लेकिन वहीं अगर वरुण धवन की जुड़वा 2 रिलीज हो जाए और अर्जुन कपूर की कोई भलता फिल्म आ जाए, जैसे आप गर्लफ्रेंड वगैरह वगैरह ऐसी फिल्में आ जाए ना, तो आप लोग को मालूम रहेगा कि इनके पास से हमें कुछ दिखने को मिलने वाला नहीं है, बस फिर भी हम लोग देखने जाएंगे बिकॉज दे आर एक्टर्स फॉर टूडेज यूथ वगैरह वगैरह, ये सब सोच के आप लोग घुस घुस के देखने आते हैं। और जबकि सबको मालूम रहता है कि वरुण धवन, अर्जुन कपूर ऐसे ऐसे एक्टर्स की फिल्मों में कैसा रहता है मालूम है? ताड़पत्री बोल के गांठ पटरी दिखा देते, ऐसा दिखाते, ये सबको मालूम रहता है, फिर भी घुस घुस के देखने जाते और फिर बोलते कि बॉलीवुड कंटेंट नहीं देता है। अच्छा मेरे को बात बताओ, आप लोगों में से कितने जन थे जो फिल्म देखने गए थे बाबू मोशाय, बंदूकबाज, करीब करीब सिंगल, कारवा, ऐसी ऐसी फिल्में जब कंटेंट वाली फिल्में आती थी तो आप लोगों में से कितने जन गए थे थिएटर में देखने गए थे? कोई नहीं गया था, कोई नहीं गया था। और ऐसे ऐसे बेहतरीन फिल्में थिएटर में फ्लॉप हुई थी। चलो मैं आपको और भी कुछ बताता हूँ। जब देखो जुड़वा 2 आई थी ना तो उससे पहले टॉयलेट एक प्रेम कथा ने ना 134 करोड़ के आसपास कमाई की थी, लेकिन जुड़वा 2 ने उस पिक्चर का रिकॉर्ड तोड़ दिया था, 140 करोड़ पार कर दिया था, सोचो। फिर उसके बाद जब कारवा आई थी ना तो कारवा के साथ शायद से ना फैने खान आया था और मुल्क आया था, और फैने खान ने कारवा से ज़्यादा कलेक्शन किया था क्योंकि कारवा को ज़्यादा प्रमोट नहीं किया गया था, जबकि मानने को सब मान रहे थे कि दैट वॉज अ ब्यूटिफुल फिल्म। फिर उसके बाद जब हाफ गर्लफ्रेंड आई थी तब हिंदी मीडियम आया था, और जबकि तब सबको मालूम पड़ गया था कि हाफ गर्लफ्रेंड फुल क्रैक मूवी है और हिंदी मीडियम लाजवाब मूवी है, फिर भी हाफ गर्लफ्रेंड अच्छा खासा कमाई की थी, लेकिन हिंदी मीडियम पहले स्लो था, फिर बाद में पिकअप लिया था और फिर धीरे धीरे अच्छा खासा कमाना शुरू कर दिया था क्योंकि तब तक सबकी अक्कल आ गई थी। अब इसी से ही समझ लो, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। कितने लोग ना अभी भी आपस में डिस्कस करते हैं कि यार तुम कैसे कह सकते हो कि वरुण धवन को एक्टिंग बराबर नहीं आती वगैरह वगैरह, वरुण धवन का बदलापुर देखा है क्या? मैं आपको बोलता हूँ, वरुण धवन के पीछे श्रीराम राघवन ने गंदा पीछे पड़ के घुस घुस के ऐसी एक्टिंग निकलवाई थी, ऐसी एक्टिंग करवाई थी ना कि वरुण धवन ने ऐसा परफॉर्मेंस दिया था। अगर वही मेहनत आप पे करें ना, आप पे, आप तो चलो आप नॉन एक्टर हो या नहीं भी रहो या एक्टर आपको बनना भी है ना भी बनना रहना, अगर आप पे उतना मेहनत करें ना आप भी फाड़ के चादर कर दोगे, एकदम फाड़ दोगे, आप भी वैसे ही परफॉर्मेंस दोगे। फिर आप किसी भी एक्टर को ले लो, अर्जुन कपूर पे भी उतना मेहनत करेंगे तो भी वो ऐसा कर देगा अगर अच्छा डायरेक्टर उन पे मेहनत करे तो। अब आप लोग बोलते कि वरुण धवन का लाइफ चेंजिंग परफॉर्मेंस था बदलापुर वगैरह वगैरह, अरे भाई अगर इसको लाइफ चेंजिंग बोलते हैं ना तो ऐसा लाइफ चेंजिंग परफॉर्मेंस ना पंकज त्रिपाठी, मनोज वाजपेयी, इरफान खान वगैरह सब लोग ना हर फिल्म में देते, हर फिल्म में देते। आपने फैमिली मैन देखा था मनोज वाजपेयी का, क्या था खास उसमें? उसमें मनोज वाजपेयी अकेला खास था और उनकी मेकिंग बहुत खास थी जो पूरे सीरीज को फाड़ दिया, एकदम एकदम फाड़ दिया, और ऑडियंस ने इतना पसंद किया, इतना पसंद किया, इतना पसंद किया कि गांड खोल के पंखा कर दिया उसको, एकदम देख देख के मजा उठा लिए। मैं बोलना यही चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग दम रखते ना ये बोलने के कि इरफान खान, ये लोग, ये सारे एक्टर्स इतने महान हैं, तो इनकी फिल्म जाके थिएटर में देखो, फ़ोन में या टीवी में आने का वेट मत करो। और आप लोग को तो बोलना तो पड़ता भी नहीं, जब वरुण धवन ऐसे लोगों की फ्लॉप पिक्चर आएगी तो भी आपको मालूम रहता है कलंक बलंक सब फ्लॉप है, तो भी आप लोग घुस घुस के जाके देखते हो, ये सबको ये तो मालूम ही है भाई। तो अगर दम रखते हो ना कि यार अवर इरफान इज़ बैक, ये बोलने का दम रखते हो ना तो जाकर फिल्म देखने का थिएटर में, और इनकी फिल्म थिएटर में ही देखने लायक रहती है क्योंकि हर एक इनकी फिल्म कंटेंट से भरी रहती है, हर एक फिल्म। देखो यार मैं ना किसी को अच्छा एक्टर बुरा एक्टर में कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अब जैसे वरुण धवन ये सारे टाइप के एक्टर्स हैं, इनको मालूम है कि हम जो जोन का काम कर रहे हैं वो जोन में लोग अब देख देख के बोर हो गए या वो जोन से हमें और हेट मिल रहा है, फिर भी ये लोग अपना जोन बदलते ही नहीं है, नहीं बदलते। अच्छा यहाँ के ही नहीं, साउथ में भी तो है कितने सारे स्टार किड्स एक्टर है, अल्लू अर्जुन है, महेश बाबू, ये लोग भी तो स्टार किड्स वगैरह, इनका भी फिल्मी बैकग्राउंड है, पर देखो ना ये लोग अपने जोन को इतना मेंटेन रखते हैं और ये लोग अपना पहचान, अपना वर्ट, अपने एक्टिंग, अपना पावर, इतना सब कुछ इतने प्यारा दिखाते कि लोग हेट करने का जरिया ढूंढ ही नहीं पा रहे, नहीं ढूंढ पाते, एक भी जरिया ही नहीं बचता कि इनको हेट करे, उल्टा फैन फॉलोइंग ऐसे बढ़ते जा रहे जैसे मलाई हो। अभी चलो यही सारे एक्टर्स को ले लो, इरफान खान, मनोज वाजपेयी, के मैनन, पंकज त्रिपाठी, ये लोग को ले लो, ये लोग अपनी एक्टिंग से पूरा जोन ही बदल देते। मैं चाहता हूँ गाइस एंड वैसेस अगर आप लोग इन आर्टिस्टों को सच में रिस्पेक्ट देते हो ना तो इनकी फिल्में जाकर थिएटर में देखना, क्योंकि अगर इनके कंटेंट निराश कर देना पर इनकी परफॉर्मेंस भूल के भी निराश नहीं करेगी और इनकी परफॉर्मेंस पैसा वसूल रहेगी।
एनीवेज मैं अंग्रेजी मीडियम का रिव्यू दूंगा और अंग्रेजी मीडियम का ट्रेलर देख के मैं इतना ही बोलूंगा कि अंग्रेजी मीडियम के ट्रेलर में कुछ भी मीडियम नहीं है, सबका सब कुछ जोरदार है, टोटल जोरदार, मजेदार, इमोशंस, पेन, मैसेज, एवरीथिंग जैसा हिंदी मीडियम में मिला था वो इसमें भी मिलेगा। एंड इरफान खान एज यूजुअल रॉकिंग यार, जो काम इरफान खान, पंकज त्रिपाठी ये लोग करते ना, वो काम कोई कर नहीं सकता और किसी पे सूट भी नहीं करेगा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ कुछ कैरेक्टर सिर्फ इनके लिए ही लिखे रहते हैं। और इस ट्रेलर में तो यार तीनों धमाका है, पंकज त्रिपाठी, दीपक दोबरियाल और इरफान खान, मजा आएगा थिएटर में वन लाइनर पंचे सुनने में और ये कंटेंट देखने में, एकदम धमाका। मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, मैं रिलीज पे ही बोलूंगा, लेकिन अब तक मैंने जितने भी बोले अगर उस चीज़ को लेके किसी को बुरा लगता है ना तो दिल से माफ़ी चाहता हूँ। प्लीज़ दिल पे मत लेना, बस थोड़ा सा समझना, एटलीस्ट सही जगह पे रिस्पेक्ट देने की कोशिश करना। बाकी मेरी बातें अगर किसी को बुरी लगी तो माफ़ी चाहता हूँ। बट अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक मारो, नहीं तो मेरे को मारो, आई मीन मतलब सब्सक्राइब मारो। मिलते अगले वीडियो में, टिल दैट गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस ऑल, बाय।